नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, अभी आप सभी के खाते में एक रुपये आया होगा, तो आप सभी चेक कर लें कि आपके खाते में अभी एक रुपया आया है या नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों जो है DBT चेक करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत DBT इनेबल्ड है या नहीं खाता महिलाओं का लाडली बहना योजना अंतर्गत, तो उससे चेक करने के लिए एक रुपए की राशि प्रत्येक पात्र महिला के खाते में डाली गई है। अच्छा दोस्तों, घबराइएगा भी मत, ऐसा हो रहा है जैसे किसी को 30 मई को, किसी को 31 मई को, किसी को 1 जून को, किसी को कल 2 जून को डाली, किसी को आज भी डल सकती है। तो धीरे धीरे दोस्तों चेकिंग चल रही है पूरी कि आपका DBT इनेबल्ड है या नहीं, आपका आ चुका है तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिसमें एक रुपया आया है वही खाते में जो है आपके 1000 रुपए भी 10 जून को आएंगे। ठीक है, तो आपका DBT इनेबल्ड है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, अपने अपने खाते चेक कर लीजिए एक बार। और दोस्तों, कल तक जिन्होंने DBT करा लिया है उनकी आज जो है सूची अपडेट हुई है लाडली बहना योजना के पोर्टल पर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वो देख सके और अपडेटेड सूची देख लें, और उसी तरह आज जल्दी जल्दी, आज और कल और अच्छा समय है तो हम जल्दी जल्दी सभी पात्र महिलाओं का जो है DBT करा सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो पता ही है, cmlaadlibehna.mp.gov.in। तो दोस्तों जो अपडेटेड सूची हो गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक रुपये का मैसेज आपको आ रहा होगा वो भी एक प्रारूप दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह दिखा देता हूँ, आपके पास मैसेज आ रहा होगा ये दोस्तों DBT चेक करने के लिए आ रहा है कि आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपका खाता जो है DBT इनेबल्ड हुआ है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसे बुधवार 31 मई को आया है, यूअर अकाउंट आखिरी के 4 नंबर देखेंगे हैज़ बिन क्रिएटेड बाय, तो ये APV पेमेंट डिसबर्सल प्लस ₹1, इस तरह से आया होगा, आपका खाता भी दिख रहा हो तो आप ये देख लें खाते के जो 4 अंक हैं इस खाते में आपके जो है पैसे आएंगे 1000 रुपये जो आपके आने हैं 10 जून को। तो ये टेस्टिंग के तौर पे दोस्तों ₹1 जो है प्रत्येक महिलाओं खाते में डाले गए हैं उनका DBT चेक करने के लिए। तो आप देख लें आपके किस खाते में +1 आए हैं, ₹1 आए हैं उसी खाते में आपके 1000 रुपये जो है आएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसमें यह भी है कि अभी 31 मई से डलना शुरू हुए हैं, कुछ पहले भी डल चुके होंगे, तो 2-4 दिन लग रहे हैं, ऐसा मत सोचे कि यदि आपके पास नहीं आया तो बिल्कुल आएगा नहीं, यदि आपका DBT इनेबल्ड है तो 1-2 दिन में आपको ये +₹1 भी आ जाएंगे। ठीक है, ₹1 भी आ जाएंगे, तो हो रहा है हमारे यहाँ भी हो रहा है, जैसे एक किसी को 31 मई को आया, किसी 1 जून को, किसी को कल 2 जून को आया, तो ऐसा आ रहा है, आप चेक करते रहें कि इससे पता हो जाएगा कि आपका DBT इनेबल्ड है और आपके खाते में 1000 रुपये की राशि आ जाएगी। चलिए मैं अपडेटेड सूची पर ले चलता हूँ। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल हमने ओपन कर लिया है, आज अपडेट हो गई है दोस्तों सूची, इसमें आपको पता चल जाएगा कि और कितनी DBT जो है हो चुकी हैं, अब केवल कितनी DBT जो है शेष रह गई हैं पात्र महिलाओं की। ठीक है, तो विभागीय लॉगिन पर हम चलेंगे, लॉगिन के बाद हम जो है अभी तक विभागीय यूजर लॉगिन वार्ड ग्राम पंचायत से करते, अब हम करेंगे अन्य यूजर से। अन्य यूजर में हमें चयन करना है सबसे नीचे वाला नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, इसके बाद आपके ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय का यूजर नेम पासवर्ड डाल दें, फिर कैप्चा कोड डालें, इसके बाद लॉगिन करें पर क्लिक कर दें। लॉगिन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके समक्ष कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, ये देखिए आ रहा है, अभी आप इसमें कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी से यहाँ भी आप देखेंगे कुल DBT सक्रिय है ना, तो ये भी दिखेगा कुल प्राप्त आवेदन कितने हैं ये देखेंगे, इसमें से DBT सक्रिय अभी इतने हैं। ठीक है, तो जो बचे हैं तो उनका जो है DBT सक्रिय होना है, तो मैं आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज बता देता हूँ, आज रिपोर्ट अपडेट हुई, आप जरूर अपडेट रिपोर्ट डाउनलोड कर लें दोस्तों, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कल तक इसमें जितने DBT हो गए हैं वो यहाँ पर अपडेट दिख रहा है, इसे रिपोर्ट पर जाएंगे आप। इसके बाद आपको जाना है सीधे आधार लिंक एवं DBT सक्रिय की स्थिति रिपोर्ट, महिलाओं की ग्राम वार्ड वार्ड सूची जिनकी DBT सक्रिय नहीं है, तो नहीं वालों की सूची अपडेट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जिस ग्राम पंचायत लाइन किया होगा उसका संभाग, जिला, स्थानीय निकाय सब हो जाए, ग्राम पंचायत जोन आप आपका सेलेक्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक ग्राम वाइज चाहिए तो प्रत्येक ग्राम वाइज भी आप यहां से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपडेट सूची आ जाएगी, जो आपके कल जिन्होंने DBT करा लिया उनका नाम यहाँ से हट गया होगा। ठीक है, आप देख लें आज ही अपडेट हुआ है, क्रमांक संख्या, संभाग, जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत जोन, ग्राम वार्ड, पंजीयन दिनांक, पंजीयन क्रमांक, परिवार समग्र क्रमांक, सदस्य समग्र क्रमांक, आवेदिका का नाम, मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, अन्य मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ आधार लिंकिंग की स्थिति दिखेगी और DBT की स्थिति जो नहीं दिख रही है इनकी, अब हमें DBT कराना है।
इसी को आप यहाँ से पीडीएफ स्थिति में भी डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। तो कल से जैसे मान लीजिए हमारी ग्राम पंचायत में मान लीजिए कल 6 हुई हैं, तो 6 के नाम हट चुके हैं यहाँ से, फिर और जैसे आज और होगी तो फिर जैसे ही अपडेट होगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज अपडेट हुई है, आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय की जो है सूची, अपडेटेड सूची जो आधार जो डीबीटी की सूची है उसको देख लें, उसी अनुसार जो भी बची हुई हैं महिलाएं जिनका डीबीटी नहीं है उनका डीबीटी करा लें, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।